हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सनाज होम क्राफ्ट। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैनोपी डेकोरेशन कैसे करते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है, कोई भी स्पेशल ओकेजन पे आप इसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 3D हार्ट्स लिए हैं, 16 पीस का सेट था। ये फेरी लाइट ली है। ये मैंने फॉइल कर्टन लिए हैं मल्टी कलर के, आप चाहे तो सिंगल कलर भी ले सकते हैं। और ये मैंने सेट लिया था, पर मैंने इसमें सिर्फ लव और हार्ट वाला बलून यूज़ किया। और ये मैंने एनिवर्सरी बैनर लिया है सिल्वर कलर का। और ये मैंने बलून लिया है 2 नंबर वाला गोल्डन कलर का। और ये मैंने कर्लिंग रिबन ली है और बलून पंप लिया है। और ग्लू स्टिक्स लिया है बलून चिपकाने के लिए, इससे अच्छे से चिपक जाता है। और ये मैंने बलून्स लिए हैं वाइट और रेड कलर के एज पर आवर थीम। और ये मैंने नेट ली है वाइट और रेड कलर की। मैंने ये फॉइल कर्टन्स ले लिया है, मुझे इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम इनको 4 इक्वल पार्ट्स में फोल्ड कर लेते हैं, फिर हम इनको कट कर लेंगे जैसे वीडियो में बताया है। जिस तरीके से हमने सिल्वर कर्टन को कट कर लिया था, उसी तरीके से हम इसको भी कट कर लेंगे। अभी मैंने दोनों ही कर्टन्स कट कर लिए हैं, अभी हम इनको दीवार पे चिपकाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं डबल टिक्सो यूज़ कर रही हूँ दीवार पे चिपकाने के लिए। पहले हम सिल्वर कर्टन्स स्टिक करेंगे, फिर रोज़ गोल्ड स्टिक करेंगे, ऐसे ही हम सारे पीसेस दीवार पे चिपका लेंगे। नीचे में मैंने मैट्रेस डाल दी है जिस पे मैं कैनोपी लगाऊंगी। और ये मैंने वाइट कलर का 4 मीटर नेट क्लॉथ ले लिया है, जिससे मैं कैनोपी बनाऊंगी। और मैं इसको सेंटर से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। और मैंने 2 मीटर्स रेड नेट ले ली है, जिसको मैं 1 साइड से इसके साथ ऐड कर दूँगी और दोनों को मिला के एक नॉट लगा लूँगी, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। मैंने डेकोरेशन के सेंटर में एक नेल लगा लिया था और जो नॉट बांधा था मैं उसको उस पर हैंग कर दूँगी। मैं मैट्रेस को बेडशीट के साथ कवर कर रही हूँ। मैंने क्रीम कलर की बेडशीट ली है, जो कि डेकोरेशन के साथ मैच कर रही थी। जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, आप उसी तरीके से तीनों साइड से नेट को कवर कर लीजिए। आपके पास नेट नहीं है तो आप साड़ी का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। और ए मैं सेफ्टी पिन से रेड और वाइट दोनों क्लॉथ को मिला के पिन लगा रही हूँ, ताकि दोनों के बीच में गैप ना दिखे। और यहाँ पे मैं सारे बलून्स को फुला रही हूँ। आपको जैसे वीडियो में दिख रहा है, उसी तरीके से आप सारे बलून्स को फुला लीजिए। और यहाँ पे मैं ग्लू ड्रॉप चिपका रही हूँ बलून के पीछे के साइड में, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और गिरे ना। और इसी तरीके से आप सारे बलून पे ग्लू स्टिक लगा लीजिए। और यहाँ पे मैं हार्ट को ऊपर के सेंटर के साइड में चिपका रही हूँ। और यहाँ पे मैं एनिवर्सरी बैनर को अरेंज कर लेती हूँ। इसमें एक रिबन दिया था, उसी के हेल्प से मैं इसको पूरी तरीके से अरेंज कर लूँगी, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और ये मेरी एनिवर्सरी थी, इसलिए मैं एनिवर्सरी बैनर यूज़ कर रही हूँ। आपके ओकेजन के हिसाब से आप कोई दूसरा बैनर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको ग्लू ड्रॉप से कैनोपी के सेंटर में चिपका लेती हूँ। और मैंने इस बलून को भी ग्लू स्टिक के हेल्प से चिपका लिया है। और यहाँ पे मैं फेरी लाइट को अरेंज कर रही हूँ, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, उसी तरीके से आप फेरी लाइट को इस पर अरेंज कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन यूज़ किया है, ताकि ये हिले ना। और यहाँ पे मैंने कुछ कुशंस और टेडी का यूज़ किया है, और भी ब्यूटीफुल लुक देगा।
और मुझे एक छोटे टेबल की ज़रूरत थी जो कि मेरे पास नहीं था, तो मैंने एक बॉक्स का यूज़ किया है यहाँ पे। उसके ऊपर मैंने एक ब्लैक कलर का दुपट्टा लगा लिया है और उसको मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है, और उसके ऊपर मैं एक टेबल क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ जो कि इसको एक अच्छा लुक देगा। और यहाँ पे मैंने कुछ बलून्स फुला लिए हैं और उसको मैट्रेस पे डाल दिया है एक पार्टी लुक देने के लिए। मैंने रेड और वाइट कलर के बलून्स यूज़ किए थे थीम के हिसाब से, और मैंने 3D हार्ट को सीलिंग पे लगा लिया था। और यहाँ पे मैंने 3 बलून लिए हैं और तीनों बलून का बंच बना लिया है, और मैंने इसको रिबिन से टाई कर दिया था, और मैं इसको वॉल पे स्टिक कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे ओपन जगह थी। और मैंने सीजर के हेल्प से रिबन को कर्ली कर लिया है, ये बहुत ही अच्छा लुक देगा। और यहाँ पे हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग लुक दे रहा है। और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सभी मटेरियल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं।